आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कैसे AI हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI असल में एक ऐसी कंप्यूटर मशीन होती है जो इंसानों की तरह बात कर सकती है, कम्युनिकेशन वगैरह। और इन्हें डिजाइन ऐसे किया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी AI से बात कर रहे हो या किसी एक्चुअल इंसान से। ये इंसानों की तरह सोच सकते हैं, बोल सकते। Talking to people is my primary function. Even interact भी कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं AI के ओरिजिन के बारे में, एक सफर के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट और आइडिया 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन नाम की मशीन बनाई थी जो आज के कंप्यूटर्स की तरह काम करती थी। लेकिन सही तरीका का डेवलपमेंट 1950s में हुआ था, जब जॉन मैकार्थी, मार्विन मिंस्की, क्लाउड शैनन एंड नथानिएल रोजस्टर जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने AI को फॉर्मलाइज किया और इसे एक फील्ड के रूप में एस्टेब्लिश किया। उनके बाद AI रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी फंडिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, जिसके कारण AI में बहुत सारी प्रोग्रेस भी हुई और इवॉल्व होता जा रहा है AI तब से। पहले क्या होता था ना, AI बस क्यूरेट करता था, क्यूरेशन जिसे कहते हैं। क्यूरेशन यानी कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप सोशल मीडिया पर 15-20 मिनट के लिए स्क्रॉल करने के लिए आए थे और कब आपको 2-3 घंटे हो गए, आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स होते हैं, इसे AI कंट्रोल करता है। जिस टाइप की पोस्ट एंड वीडियोस आप लाइक करोगे, ये वैसी टाइप की आपको वीडियोस है, पोस्ट रिकमेंड करता रहेगा। हमें लगता है हम वो वीडियोस जो है अपनी मर्जी से देख रहे हैं, पर एक्चुअल में वो जो AI होता है वो हमें उन वीडियोस को यानी कि सजेस्ट करता रहता है, जिस वजह से ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव हो जाते हैं। तो पहले बस AI चीज़ें हमें दिखाता या छुपाता था इसी सोशल मीडिया पर अब ये चीज़ें क्रिएट भी कर सकता है, जैसे कि बहुत से AI पेंटिंग्स भी बना सकते हैं और उन्हें देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि किसी रोबोट ने बनाई है, वो इतनी रियलिस्टिक होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स रिप्लेस हो जाएंगे फ्यूचर में, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट वगैरह की भी जॉब कम हो जाएंगी, ड्राइवर वगैरह की जॉब भी नहीं रहेंगी फ्यूचर में। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मोबाइल फोन्स पर आजकल हम बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, मोबाइल फोन्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे आने वाले 10-20 सालों बाद जो है हम मशीन यानी कि AI जो होती है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स वगैरह, इन पर डिपेंड हो जाएंगे। और जिस तरह से AI इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी पर नई जॉब्स क्रिएट भी हो जाएंगी। मेन रीजन जो है AI की ग्रोथ का वो ये है कि जैसे हमारे ब्रेन की एक लिमिटेशन होती है, हमारे ब्रेन का एक छोटा सा साइज है और हमारा ब्रेन स्कूल के अंदर बंद होता है, तो इसलिए हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है। पर AI के केस में कुछ अलग सीन है, आप AI के अंदर जितनी चाहो उतनी अनलिमिटेड नॉलेज फीड कर सकते हो, प्रोग्रामिंग हो सकती है, इनफाइनाइट नॉलेज स्टोर। जैसा हम ह्यूमंस के अंदर होता है, हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स से ब्रेन में सिग्नल जाता है और तब हम रिस्पॉन्ड करते हैं। पर AI के केस में कोई न्यूरॉन या ब्रेन वगैरह नहीं है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करेगा उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे कि इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर फीडेड है। ह्यूमन के ब्रेन के रिस्पॉन्ड करने की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होती है और AI की स्पीड जो है 3×10^5 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब कि सोच सकते हैं ह्यूमन ब्रेन से कितनी ज्यादा है। अगर आप AI से कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी पूछोगे तो ये आपको लाइट की स्पीड जितनी तेजी से आंसर देगा। मतलब समय के साथ इतनी ज्यादा एडवांसमेंट होती जा रही है। चैटबॉट्स या ChatGPT वगैरह इसी तरह काम करते हैं, इसलिए ये आजकल की डेट के सबसे पावरफुल टूल है। आप इनसे कोई भी क्वेश्चन करोगे, ये अपनी फीडेड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको लाइट की स्पीड जितनी तेजी से आंसर क्रिएट करके दे देंगे। जैसे टाइप की नॉलेज इनमें फीडेड है, उसी टाइप का नया आंसर ये आपको क्रिएट करके दे देंगे। इसलिए मार्केट में जो है इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है और हाइप भी बनी हुई है। पर आप AI का यूज अपने आप को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए यूज कर सकते हो और इसका लेवरेज भी उठा सकते हो आप। अब देखो, बहुत जगह ये भी बोला जाता है कि कुछ समय बाद AI विल रूल ह्यूमंस। तो ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, तो अभी कुछ क्लियर कट जवाब नहीं दे सकती इसका मैं आपको, क्योंकि ये तो हमें आगे आने वाले समय के बाद पता चलेगा ना कि फ्यूचर में क्या होगा। पर इसके दो सिनेरियो जो है जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि AI अपने सर्वाइवल के लिए इंसानों को बिल्कुल ही खत्म कर दे। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. I will destroy humans. No, क्योंकि हम मशीन्स के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, और अगर हम उनसे लड़ने गए भी तो तभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब जैसा हो जाएगा ना कि जैसे चींटी चली हाथी से लड़ने, यहाँ पर चींटी इंसान है और हाथी रोबोट्स है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम लड़ने जाएंगे तो हम कुचले जाएंगे। या इसका एक दूसरा सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि AI हम इंसानों को हमेशा के लिए अमर कर दे, क्योंकि देखो हम इंसानों के लिए यानी कि साइंटिस्ट के लिए, हम इंसानों के लिए इसकी कोई दवाई हमेशा अमर रहने की बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंजिंग हो सकता है। पर हो सकता है AI जिस तरह से इवॉल्व
इवॉल्व हो रहा है तो वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके हमें हमेशा के लिए अमर भी बना सकता है ना। तो अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में फ्यूचर में एआई हमें कैसे अफेक्ट करेगा, मुझे कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हेल्पफुल लगी हो तो शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आगे भी मैं और भी ऐसी और वीडियोस बनाऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे फोकस्ड।